यूपी के रायबरेली से खबर आ रही है, जहां दो बच्चों की मां अपने प्रेमी देवर के साथ नहर में छलांग लगा दी है। आपको बता दें कि रायबरेली जिले में दो बच्चों की मां अपने प्रेमी देवर के साथ शारदा नहर में छलांग लगा दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस व गोताखोर दोनों की तलाश में जुट गए हैं। दरअसल रायबरेली जिले के भदोकर थाना क्षेत्र के खानपुर गाँव के रहने वाले संतोष का विवाह संगीता से हुआ था। संगीता के दो छोटे छोटे बच्चे हैं। वहीं आज दोपहर को संगीता ने अपने देवर अमन के साथ भदोकर थाना क्षेत्र स्थित भाव के पास शारदा नहर में छलांग लगा दी। दोनों के एक साथ नहर में कूदने से आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों को मदद से दोनों की तलाश शुरू कर दी, पर अभी तक दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चल सका है। संगीता का अपने ही चचेरे देवर अमन के साथ चल रहा था काफ़ी दिनों से प्रेम संबंध। जानकारी के अनुसार संगीता का उसके ही चचेरे देवर अमन के साथ बीते कई वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था और दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाई, पर उसमें सफल न होने पर दोनों ने एक साथ जान देने की ठान ली। बताया जा रहा है कि दोपहर में दोनों घर से अलग अलग निकले और रास्ते में अमन अपनी प्रेमिका भाभी को लेकर शारदा नहर पहुंचा और अचानक बात करते करते दोनों शारदा नहर में कूद गए। वहीं पुलिस व गोताखोर दोनों की तलाश में जुटे हुए हैं। घर की सूचना पर पहुंची पुलिस व गोताखोरों ने बाइक के जरिए दोनों की शिनाख्त की और गोताखोरों की मदद से दोनों की तलाश में शुरू कर दी है। वहीं तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं किस तरह से संगीता का अपने ही चचेरे देवर अमन के साथ काफ़ी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खा ली, लेकिन जीते जी सफल न होने पर दोनों ने एक साथ जान देने की ठान ली है। वहीं दोनों ने शारदा नहर में एक साथ छलांग लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर एक्सप्रेस।